मोहतरम हजरात, दरस बुखारी के सिलसिले में आज साहिब बुखारी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के हालात पेश किए जा रहे हैं। आप बुखारा में 13 शव्वाल 194 हिजरी को हिजरी में पैदा। इमाम बुखारी फारसी नस्ल थे। आपके परदादा मुगैरा यमान अमीर बुखारा जोफी के हाथ पर मुसलमान हुए थे, इसलिए आपको जोफी भी कहते हैं। जब आपकी उम्र 8 साल की थी तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी वालिदा को और आपको बहुत गम हुआ, लेकिन चंद ही दिनों में एक हादिसा ऐसा पेश आ गया कि आपकी बिनाई जाती रही, आपकी नज़र ख़त्म हो। तो उनकी माई की इस दुआ को अल्लाह ताला जो है तहज्जुद की नमाज में रोज़ाना वो दुआ कर फरमाती थी कि अल्लाह हमारे बेटे की बिनाई तो अता फरमा, अल्लाह बिनाई को लौटा दे। मुसलसल दुआ की वजह से अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाया। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए और कहा कि बेटी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे की बिनाई वापस कर दी है। अब तुम्हारा बच्चा देख सकेगा, लिख सकेगा, पढ़ सकेगा और तुम्हारे बच्चे की बिनाई से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है 10 साल की उम्र में हदीस का दर्स लेने की तरफ मायल हुए, और जब आप 16 साल के हुए तो इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम वकी के किताबों के हाफिज हो गए। और आप एक मर्तबा अपने उस्ताद इमाम दाखिली के दर्स में बैठे हुए थे, उन्होंने एक हदीस की सनद बयान की तो आपने एतराज़ किया और कहा कि यह सनद सही नहीं है। तो उसने उस्ताद ने गुस्सा होकर कहा कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम ऐसे बात क्यों कहते हो। कहा कि आपके पास असली अगर नुस्खा है तो उठाकर देखिए। तो उन्होंने असली नुस्खा में देखा तो इमाम बुखारी की बात सही निकली, तो उस्ताद को बहुत ताज्जुब हुआ। तो इमाम बुखारी 16 साल की उम्र में मक्का मुकर्रमा हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए। हज के बाद आप बुखारा वापस नहीं हुए बल्कि मक्का ही में रहकर हदीस का इल्म हासिल करने लगे, और फिर उसके बाद मक्के से दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक को में का सफ़र करके हदीसों को हासिल करते रहे। क्योंकि उस ज़माने में यह बस तमाम इस्लामी ममालिक में सहाबा इकराम पहुँचे हुए थे और सहाबा के शागिर्द ताबईन वहीं थे और उनके शागिर्दों से हदीसें लेना था, और जब तक कोई आदमी सफ़र नहीं कर सकता था उस वक्त तक उसको हदीसें नहीं मिल सकते हैं। इसलिए इमाम बुखारी पूरे शहर ब शहर घूम घाम कर हदीसें हासिल करते रहे। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने किसी ऐसे आदमी से कोई हदीस नहीं ली जो इस बात पर यकीन नहीं रखता कि ईमान यकीन और अमल का नाम है। ईमान यकीन और अमल का नाम ईमान है। जो आदमी ये अकीदा नहीं रखता मैं उससे हदीस नहीं लिया। तो इमाम वकी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने 1080 जो है आदमियों से इल्म हदीस हासिल किया, यहाँ तक कि आप इल्म हदीस में बहुत मशहूर हो गए। और जब आपका सारे आलम इस्लाम में चर्चा हो गया तो लोग कुछ लोग जो है आपके इल्म पर शक करने लगे, यहाँ तक कि आप बगदाद तशरीफ ले गए तो बाबा बगदाद के तमाम मुहद्दिसीन ने मिलकर आपका इम्तिहान लेना चाहा। चुनाचे उन्होंने 10 आदमियों को 100 हदीसें इनायत की और वो तमाम हदीसों के सनदों को इसकी सनद उसमें मिला दी और उसकी सनद इसमें मिला दी, और इस तरह सनदों को गुटमुट करके उन्होंने इमाम बुखारी के उसका एक जलसा किया इमाम बुखारी की सदारत में। इमाम बुखारी के सामने वो 10 आदमियाँ आकर हदीस सुनाते रहे, तो हर हदीस पर इमाम बुखारी बोलते थे कि ला आरिफ़ो, मैंने इसको नहीं जानता, ला आरिफ़ो, यहाँ तक के पूरे 10 आदमी जो है 1000 हदीसें सुना दिया। तो उसके बाद इमाम बुखारी ने कहा कि आप
आपके तमाम मुहद्दिसीन ने जो हदीसें सुनाई वो सब सनदें गलत हैं। वो सनद इस तरह है, पहले आदमी की जो 10 हदीसें हैं उसकी सनद इस तरह है, दूसरे आदमी की जो 10 हदीसें हैं उसकी सनद इस तरह है। तो चुनाचे 1000 अहादीस की सनद को इमाम बुखारी ने दुरुस्त कर दिया। तो इमाम बुखारी इल्म हदीस में बहुत ऊंचा मकाम रखते थे। जैसे सहाबा इकराम में हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा था, ऐसे ही मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी का दर्जा था। इमाम बुखारी जो है इल्म हदीस लेने के लिए सफ़र पर जाते तो देखते कि हदीस का रावी सिखा हो और उसमें जो है कोई ज़ौफ ना पाया जाता हो। चुनाचे आपने बुखारी शरीफ जमा करने के लिए तदवीन के लिए 16 साल सरफ किए। 25 साल की उम्र में हदीसों का इल्म हासिल करना शुरू किया। 41 साल की उम्र में आपने बुखारी शरीफ को मुकम्मल किया। बुखारी शरीफ के अलावा भी आपकी और बहुत सी किताबें हैं, जैसे तारीख़ कबीर है और जैसे किताब ज़ोफ़ा है, किताब उलल है और किताब उलवहदान है और इस किस्म के वाक़ जुज़ रफ़ील दैन है। ऐसे बहुत सारी किताबें इमाम बुखारी तसनीफ़ किए और हर का तसनीफ़ आपकी बड़ी मुफीद होती है, लेकिन सबसे बेहतरीन तसनीफ़ आपकी सहीहुल बुखारी है। और इस किताब के बारे में सारे उलमा का इत्तेफाक है कि असहुल किताबी बादा किताबुल्लाह सहीहुल बुखारी, कि कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन अगर कोई किताब है तो वो सही बुखारी है। और हदीस की ये सबसे पहले सही किताब है दुनिया इस्लाम में, हदीस के सबसे पहली ये है जो है सही किताब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सारे दुनिया से सारे शहरों में घूमकर हदीसें जमा करके बुखारी शरीफ लिखकर जब आप बुखारा पहुँचे तो बुखारा वालों ने आपकी बड़ी ताज़ीम किया, आपका बड़ा एहतराम किया। शहर से 5 मील दूर पैदल चलकर आपका इस्तकबाल किया और आपके इस्तकबाल के लिए डेरे लगाए गए और डेरों में ठंडा पानी और शरबत पेश किया गया। सब लोग आपको जो है बड़े एहतराम के साथ शहर में ले गए और कुछ लोगों ने आप पर से दीनार और दिरहम निचावर किया। चुनाचे आप बुखारा में दाखिल हुए और बुखारा में हदीस पढ़ाते रहे। चुनाचे एक ज़माना जब गुजर गया, चंद महीने गुजर गए, तो आपके हासिदीन पैदा हो गए। जैसे दौलत के हासिद होते हैं वैसे इल्म के भी हासिद होते हैं। अगर कोई शख्स इल्म में कमाल हासिल करता है तो उसके हासिदीन पैदा हो जाते हैं। तो कुछ हासिद लोगों ने हाकिम बुखारा के पास ये पेश किया कि इमाम बुखारी जो है वो गलत अकीदे पे पेश कर रहे हैं और इमाम बुखारी खल के कुरान के कायल नहीं है। तो चुनाचे हाकिम बुखारा ने आपको बुला भेजा कि आप तारीख़ कबीर और सही बुखारी लाइए और हमारे दरबार में सुनाइए, हम सुनेंगे। तो इमाम बुखारी ने कहा कि मैं हदीस रसूल को किसी के दरवाजे पर नहीं बेचूंगा, मैं हदीस रसूल को किसी के हवाले नहीं करूंगा। अगर हदीस हासिल करना है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान है, ये मस्जिद में बिछा रहता है, मस्जिद में आए और मस्जिद में हासिल करे, मैं नहीं आऊँगा। तो बादशाह नाराज़ हुआ। फिर उसके बाद बादशाह ने इमाम बुखारी से यह कहा कि तुम मस्जिद में हमारे बच्चों को बुखारी पढ़ाने के लिए अलग से दर्स का इंतज़ाम करो और हमारे बच्चों को सब लोगों के साथ ना बिठाओ। तो इमाम बुखारी ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, हदीस रसूल आम लोगों के लिए या किसी के लिए ख़ास नहीं किया जा सकता। इस पर हाकिम बुखारा नाराज़ हुआ और उसने आपको बुखारा से निकलने का हुक्म दिया। और जब ज़बरदस्ती आपको निकलने का हुक्म डाल दे दिया तो आप जो है बुखारा से निकल पड़े। और आप निकल जब समरकंद वालों को मालूम हुआ कि इमाम बुखारी बुखारा से निकल चुके हैं तो समरकंद वालों ने आपको शहर समरकंद आने की दावत दी। आप दरमियानी रास्ते में थे कि खरतंग एक मकाम में आप ठहर गए, रमज़ान का महीना था। आपको मालूम हुआ कि समरकंद में आपकी वजह से लोगों में इख्तलाफ पाया जाता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खरतंग में बैठे रहे और देखा कि मेरी वजह से शहर समरकंद में इख्तलाफ हो रहा है। तो आपने अल्लाह से दुआ किया, अय अल्लाह
ये ज़मीन कुशादा होने के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है, आए अल्लाह मुझे अगर ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में तो मुझे ले ले। चुनाचे अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया, आप मुस्तजाब दावत थे, जो भी दुआ करते थे अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता था। चुनाचे 31 रमज़ान को जो है ईशा की नमाज के बाद खरतन मकाम में आपका इंतकाल हो गया, और सुबह को ईद की नमाज़ पढ़कर जहर की नमाज़ के बाद लोगों ने आपकी तदफीन की, और जब आपको दफन किया गया तो सारे आलम में आपके वफात की खबर फैल गई। इमाम अब्दुल वाहिद तरावलसी कहते हैं कि मैंने उस जिस 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 दिन इमाम बुखारी वफात पाए थे, मैंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ खड़े हुए हैं। मैंने जाकर रसूलुल्लाह सल्लम को सलाम किया और कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन इस्माइल का जो है इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब्दुल्लाह तरावलसी कहते हैं कि जिस दिन मैं तहकीक किया तो जिस दिन यह ख्वाब देखा था उसी दिन इमाम बुखारी की वफात हुई थी। तो इमाम बुखारी ऐसे अल्लाह वाले थे, उनकी खबर जब बनाई गई तो खबर को जब मिट्टी सीधी की गई तो मिट्टी से खुशबू आने लगी, लोग आकर जो है वो अपने हाथों में अपने थैलियों में मिट्टी भर भर कर ले जाते थे और घरों में रखकर सूंघते थे। उनकी खबर की मिट्टी में एक किस्म की खुशबू थी, ये अल्लाह ताला उनके इल्म हदीस की खिदमत की बिना पर उनको उनकी खबर में और उनकी मिट्टी में खुशबू इनायत फरमाया। और इस तरह जब लोग मिट्टी उठाते उठाते खबर में गड़ा हो गया तो कुछ लोगों ने जो है खबर के चारों तरफ कटंजन बनाकर उस खबर की हिफाजत की। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनकी सबसे बड़ी किताब जो है अल जामिउ सहीहु लिल बुखारी है। तो अल जामिउ सहीहु लिल बुखारी पर के बारे में तबसरा इंशाल्लाह कल आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इमाम बुखारी की मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी खबर को रोशन फरमाए, अल्लाह आखिरत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।